हाँ दोस्तों, कैसे हो? आज हम चलेंगे तीसरे दिन में, डे थ्री। ये है डे थ्री। अभी ये डे थ्री क्या है? मैंने आपको एक टास्क दिया है 30 डेज का, याद है ना? वो 30 डेज में आपने दो वीडियो देख लिया है। फर्स्ट पार्ट यूज ऑफ कैन इन वेरियस सिचुएशंस, एंड इन द नेक्स्ट माय सेकंड वीडियो यू हैव यूज्ड द यूज ऑफ, ठीक ना? शुड, यू नो शुड, चाहिए क्या तुम्हें। अब आज हम देखेंगे इट का प्रयोग। दिन भर में हमें कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसे बातें आती हैं, ऐसी कंडीशन आती हैं जहां हमें इट का उपयोग करना होता है। अब तक तो हमें मोस्टली पता होता है इट जो होता है वो किसी नॉन पर्सनल निर्जीव चीज का सिंगुलर का प्रोनाउन होता है इट। लेकिन आज हम यहाँ इससे थोड़ा आगे हटके बताएंगे। अब सिर्फ ये यहां तक सीमित नहीं है। इट का उपयोग कहाँ करते हैं? जहां उपयोग करना होता है किसी, जैसे कोई वस्तु है, अगर सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन हम इट का यूज करते हैं। ये हमने क्वेश्चन टैंक बताया था इसको, ठीक है? अब इससे आगे क्या हमें बढ़ना है? आगे बढ़ना ये है, मोस्टली हम लोग दिन भर में कई बार ऐसा पूछते हैं, 2 बज गए हैं, आज संडे है, आज रविवार है, ठीक ना? ऐसा उपयोग करते रहते हैं। तो उसको सिंपली हम लोग, सिंपली मोस्टली आप लोग सुने होंगे, आज आज संडे है तो टुडे संडे, टुडे संडे, टुडे संडे। ये एक्चुअली इसका सही उपयोग नहीं है। क्या है? ये सही उपयोग नहीं है। अब इसका सही उपयोग क्या करते हैं? जब कभी भी आपको ध्यान देना, यहां पर दिन, महीना, मौसम, समय, ऋतु, ये सब दिखाना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम दिन, महीना, मौसम, ऋतु दिखाने के लिए इट का उपयोग करते हैं। अब इट का उपयोग जैसे आपने अन्य चीजों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव देखा है, वैसे ही करेंगे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेकर यहाँ पर देखते हैं। नंबर एक, जैसे मैंने कहा आज रविवार है, आज आज रविवार है, ठीक है? आज रविवार है तो इसका मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, टुडे संडे, टुडे इज संडे। नो, इसका उपयोग आप इसका सब्जेक्ट इट से शुरू करोगे। इट फर्स्ट थिंग ध्यान, दिन, महीना, मौसम, समय, ऋतु, ये दर्शाने के लिए आप, हमने क्या करेंगे, इट का उपयोग करेंगे। इट का, इट इज, अब यह इट इज है या तो इट वाज होगा। अगर आप पास्ट में कर रहे हैं तो इट वाज कर लेना, प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इट इज कर लेना। इट इज संडे, इट इज संडे। अब आज कहां गया, यहां कर दो, इट इज संडे टुडे, ठीक? ये आपका संडे होगा। अब ऐसा संडे था तब 10 बनाइए, इट इज संडे टुडे, इट इज हॉट डे, इट इज मिडनाइट, इट वाज हॉट डे, इट वाज कूल डे, इट इज मिडनाइट, इट इज मंडे, इट इज इवनिंग, इट इज मॉर्निंग। ऐसा समय, दोपहर का समय है, रात का समय है, आधी रात का समय है, ऐसा करके इट का उपयोग करके आप 10 सेंटेंस फास्ट बोलिए, ठीक है? ये देखिए, इवनिंग, मॉर्निंग, मिडनाइट, नाइट, हॉट डे, ठीक है, हार्श डे, ऐसा। अब क्या होगा, इट इज संडे टुडे, इट इज इवनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मिडनाइट, इट इज नाइट, इट इज हॉट डे, इट इज हार्श डे, ठीक है? ये क्या दिखा रहे हैं, यहां पर डे है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर ये नाइट है, डे है, डे है, सीजन कर देते हैं, इट इज विंटर, ठीक, इट इज समर, समर सीजन, इट इज रेनी सीजन। ऐसा करके आप इट का उपयोग करेंगे। यहाँ पर कभी भी है आप टुडे का उपयोग नहीं करेंगे, टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे। समय दिखाना है, 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock, 5:30 हो गए हैं, इट इज 5:30, ऐसा। इस प्रकार से आप इट का उपयोग कहाँ करेंगे, दिन, महीना, मौसम दिखलाने के लिए, ये अफर्मेटिव में करेंगे।
अगर इसका हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या करना होगा? कुछ नहीं ना, आप पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब बार में नॉट, ये जो आपने यहाँ पर ई लगाया है वहां पर क्या करेंगे, नॉट लगा दें। इट इज नॉट संडे टूडे, अब इट इज नॉट संडे टूडे। इस प्रकार से आप इसको करके पूरा कर सकते हैं, आपके आपका ये आज का टास्क है। ठीक है, अब टास्क है, इसके बाद में इसमें आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे आंसर दे सकते हैं। जैसे इज इट मॉर्निंग, आंसर यस, इट इज या नो, इट इजंट, क्या सुबह है ये, यस इट इज, कई सुबह है, नो इट इजंट, ठीक ना। ऐसा करके आप एक कन्वर्सेशन ग्रुप बनाएंगे, ठीक ना। कहां कहां, दिन महीना मौसम दिखलाने के लिए। इसमें हम आपको कोई टास्क कोई सेशन दे, उसके पहले हमें एक पॉइंट और देखना पड़ेगा, वो देख लेंगे तब इसको दोनों कंबाइन करके मैं आपको दे सकता हूं। अब वो क्या है, देयर का उपयोग, देयर का प्रयोग। अब तक तो आप लोग जानते हैं ये जो देयर है इसका उपयोग हम लोग वहां, देयर मीन्स वहां, ये दिखलाने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर का उपयोग हम वहां भी करते हैं जहां पर किसी व्यक्ति की वस्तु की सिचुएशन दिखलानी पड़ती है, कंडीशन दिखलानी पड़ती है, वहां पर हम देयर का उपयोग करते हैं। जैसे मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब ऐसा चंडे ढेर बनाइए, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, नहीं, मेरे बगीचे में 5 पेड़ हैं, ठीक ना, जंगल में ढेर सारे जानवर हैं, कुएं में ढेर सारे मेंढक हैं, नदी में ढेर सारी मछलियां हैं। ध्यान रखना, यहाँ प्रक्रिया का उपयोग आप नहीं करेंगे, वर्ब नहीं लेंगे, नदी में 5 मछलियां तैर रही हैं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, सिचुएशन दिखाएं, कंडीशन दिखाएंगे ना, जंगल में 5 पेड़ हैं, जंगल में ढेर सारे जानवर हैं, तालाब में कछुए हैं, मेरे घर में ढेर सारे बैग हैं, मेरी जेब में 2 पेन है, मेरी बैग में किताबें हैं, ऐसा चंद्र बनाइए। तो ऐसा आप इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखिए देयर, अब देयर के बाद या तो इज या तो आर, अब ये देखेंगे, इसको देखेंगे, अगर सिंगुलर है तो इज करेंगे, प्लूरल है तो आर करेंगे, देयर इज या देयर आर। अब ये देयर आर करने के बाद में ये जो जिसको दिखाया गया है वो आप लीजिए, देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स, और लास्ट में दिखाएंगे मेरे परिवार में, इन माय फैमिली, ठीक ना। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन सकता है। अब इसका उपयोग कई जगहों पर आपको राइटिंग स्किल में आता है, राइटिंग स्किल में आता है, एक गांव था, गांव में कुआं था ना, तो गांव में कुआं था, क्या करेंगे, देयर वाज अ वेल इन द विलेज, ठीक है ना। मेरे बैग में 5 किताबें थी, देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग, ठीक ना। मेरे जेब में 70 रुपए थे, देयर वेयर 70 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है। मेरे परिवार में 18 सदस्य हैं, देयर आर 18 मेंबर्स इन माई फैमिली। ऐसा सेंटेंस यूज करके आप देयर का उपयोग भरपूर कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा, क्या नेगेटिव बनाना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा लीजिए, मेरे घर में 2 लोग नहीं है, देयर आर नॉट 2 पीपल्स इन माई फैमिली ना, बगीचे में 5 पेड़ नहीं है, देयर आर नॉट 5 ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो क्या करेंगे, इस इज एम आर वाज वेयर को बाहर ले लीजिए, बाकी सेम रहेगा, नहीं,
क्या तुम्हारे परिवार में 10 लोग हैं? आर देयर 10 पीपल इन योर फैमिली? ठीक है, क्या कुएं में ज्यादा पानी है? क्या कुएं में अधिक पानी है? इज देयर एनफ वाटर इन द वेल? क्या जंगल में शेर है? इज लायन इन द फॉरेस्ट? इज देयर लायन इन द फॉरेस्ट? इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। अब ध्यान रखना, आज के इस वीडियो में आपने केवल किसका उपयोग किया है? इट का, दिन महीना मौसम दिखलाने के लिए, और देयर का उपयोग क्यों किया है? किसी व्यक्ति वस्तु की सिचुएशन, स्थिति दिखलाने के लिए किसी चीज के अंदर। ओके, इसका आप अभ्यास भरपूर कीजिए। इसका मैं आपको इस वीडियो नीचे देने जा रहा हूं एक चार्ट ना, उसे आप करके कॉपी में भर लीजिए। उसका मैं आंसर रूप में रहेगा, तो सब का करना होगा, या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आपको लिखना होगा, या फिर आंसर फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन करना होगा। ओके, तो देखिए नीचे का।